डेटा साइंटिस्ट एक काफी ट्रेंडिंग प्रोग्राम है और ये मार्केट में नया नया आया है और इसकी काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें आपको प्रमोशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है और इसका सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा जा रहा है, इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को आजकल परस्यू कर रहे हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन MCA इन डेटा साइंटिस्ट प्रोग्राम के बारे में। हम जानने वाले हैं इसकी कोर्स डिटेल्स के साथ साथ आखिर ये इतना ट्रेंडिंग प्रोग्राम क्यों है, इस प्रोग्राम की डिटेल्स, और हम जानेंगे इस प्रोग्राम से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है और इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, और ऐसी ही कंप्लीट डिटेल्स हम जान लेंगे आज इस प्रोग्राम के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहे अबाउट प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज और कई ट्रेंडिंग टॉपिक्स अबाउट एजुकेशन। सो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। सो अगर आप ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करे हुए हैं या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस थी या फिर आपके पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट था तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बन जाता है फॉर हायर एजुकेशन, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी है तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब इसका एवरेज सैलरी पैकेज जाने तो आपका एवरेज पैकेज बन जाता है 6 LPA से लेके 60 LPA तक, तो आपका पैकेज बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। वहीं आप इसे ऑनलाइन मोड पर करते हैं तो आप अपनी जॉब के साथ ही साथ इस प्रोग्राम को भी कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस एंड आपके पास डिग्री भी एक साथ हो जाती है, तो इसी से आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है और पैकेज ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। अब यहीं हम जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट आखिर है क्या। सो इट इज़ बेसिकली एन एनालिसिस प्रोग्राम जिसमें आपको डेटा एनालाइज करना होता है। आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो तो बहुत अच्छा होता है, आपके पास थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज हो तो भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसीलिए इंजीनियरिंग की फील्ड वाले भी इस प्रोग्राम को करते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। अब यहाँ आपने इसका सैलरी पैकेज तो जान ही लिया है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं, यानी कि आपका पूरा सब्जेक्ट फ्रेमवर्क क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका कंप्लीट सिलेबस। कहते हैं कि टॉप इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं जहां आप इस प्रोग्राम को करके जॉब ले सकते हैं। आप जा सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, IBM में, MU सिग्मा, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इंफोसिस एसेट्रा। अब यहीं हम डिफरेंट स्टेट्स और उनका डिफरेंट एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंगलोर में, दिल्ली में आपको किस किस तरह के सैलरी पैकेज मिलते हैं आफ्टर डूइंग दिस प्रोग्राम। बैंगलोर में इट इज़ 10 LPA, यानी कि आपका एवरेज सैलरी पैकेज हो जाता है आफ्टर डूइंग MCA इन डेटा साइंटिस्ट इज 10 LPA। मुंबई में 9 LPA, गुड़गांव 8.5 LPA, पुणे 8 एंड दिल्ली 7 लाख पर एनम। आप ऑनलाइन MCA इन डेटा साइंस प्रोग्राम करके डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और आप एप्लीकेशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं, और ऐसे ही कई तरीके की जॉब्स में आप जा सकते हैं इन हायर पोजीशन। अब वहीं हम इसका फी स्ट्रक्चर जाने तो आपका फी स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर 40,000 और 50,000 से लेके 2 लाख तक हो जाता है फॉर द कंप्लीट प्रोग्राम, और कई यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स में इसका फी स्ट्रक्चर और ऊपर बढ़ भी सकता है। अब यहीं अगर हम हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की बात करें इन इंडिया एंड आल्सो इन अब्रॉड तो भी ये प्रोग्राम उसकी लिस्ट में आता है, तो MCA इन डेटा साइंस प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब्स और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग टू मेक योर बेटर करियर, और आपके इसके साथ साथ फ्यूचर में भी आपके बहुत ज़्यादा
जॉब ऑप्शंस खुल जाते हैं। सो अगर हम हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की बात करें तो भी ये प्रोग्राम उसकी लिस्ट में आता है। तो यानी कि ऑनलाइन एमसीए इन डेटा साइंस प्रोग्राम आपको हर तरीके से बेनिफिट देने वाला है इन इंडिया एंड ऑल्सो इन अब्रॉड। आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और उसके साथ आपको हाईएस्ट पे भी मिलने वाला है। अब हमने ऑनलाइन एमसीए इन डेटा साइंस की सभी डिटेल्स तो जान ली, यहाँ हम जान लेते हैं कि आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को करवा रही है। तो वी हैव जैन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, केवल अभी हमारी लिस्ट में एक यही यूनिवर्सिटी है। ये एक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और इसके पास है NIRF रैंकिंग एंड ऑल्सो NAC A+ एक्रेडिशन। ये यूनिवर्सिटी आपको इसके साथ ही साथ और भी कई स्पेशलाइजेशन में MCA प्रोग्राम करवाती है इन ऑनलाइन मोड, और आपके एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होते हैं। अगर हम जैन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन MCA इन डेटा साइंस प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर देखें तो इसका सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर है ₹50,000, यानी कि कंप्लीट प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर है ₹2,00,000। और यहाँ पे आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलता है, यानी कि आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है ऑनलाइन, और आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलता है, बहुत अच्छी फैकल्टीज मिलती हैं। सो इन फ्यूचर अगर और भी यूनिवर्सिटीज इस प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड पर करवाती हैं तो हम उसे अपने वेबसाइट पर ज़रूर मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर भी कर सकते हैं और उनके सारे फैक्टर्स जान के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। सो आई होप हमने सभी चीज़ें क्लियर कर ली हैं एंड आई नो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है एंड आप इसे बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक मन बना लिया होगा इस प्रोग्राम को करने के लिए। अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विद न्यू टॉपिक।